पठानकोट शहर के बस स्टैंड पर तारीख 8 फरवरी को ममून निवासी अर्जुन द्वारा अपनी बाइक पार्किंग स्टैंड पर लगा निजी काम के लिए खन्ना चला गया था। जब वे 11 फरवरी को पठानकोट पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बाइक पार्किंग से चोरी हो चुकी थी। वहीं इस संबंध में उसने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी है और पार्किंग ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं अर्जुन जी, मैं ममून का रहने वाला हाँ। तो मैं अपना इतने मोटरसाइकिल लाया जी PV 3534-52। तो मैं इतने अपनी बाइक ला के 8 तरीक में 12:30 बजे खन्ना चल गया जी अपने कोई निजी काम वास्ते। तो अज मैं जो वापस आया तो 6 बजे तो मैं आके पर्ची दिती, तो उन्हें मेरे पर्ची लैके तो अपने जोड़े बंदे 40 रुपये जी के वह लै ले। तो जो मैं अंदर गया मोटरसाइकिल देखा नहीं तो मेरा मोटरसाइकिल है नहीं अंदर। वापस आके जो मैं मौके पर जो मुलाजम है उन्होंने जो मैं दसाया कि मेरा मोटरसाइकिल है नहीं अंदर, उन्हें मोटरसाइकिल देखा तो फिर एक घंटा तक देखते डुबते रहे। जो मैं उन्होंने पूछा जी की प्रोसीजर है तो फिर उन्होंने मैंने कहा कि तुम कल आयो 10 बजे। तो मैं उन्होंने CCTV कैमरे की फुटेज देखने वास्ते जो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अगर टाल मटोल करके तो कहा भी कल दिखावे हूँ बंदा है नहीं को। हाँ जी, की मांग करते हो? मांग जी यही करते हैं जी इतने अपना पैसे दे के भी स्टैंड से अपन बाइक लाने इतने फैसिलिटी इदा नहीं मिलेगी अड्डे इतों मोटरसाइकिल चोरी हो जाएंगे सानूं इहदे स्टैंड का फायदा की हैगा आ। तो मैं जी जिहड़ी एप्लीकेशन अपने इत्थों बस स्टैंड के चौकीदार चौंकी हैगी जी पुलिस चौंकी उत्थे मैं देती है तो मैं उन्होंने अगे मंग करदा कि मेरा मोटरसाइकिल मैनू वापस दिता जाए, मतलब मेरा मोटरसाइकिल मैनू लभ के या पुलिस किदा भी कार्रवाई करके ते नाल बंदी जी कार्रवाई है स्टैंड के जिहड़े पार्किंग स्टैंड वाले इन्हां ते भी की जाए। अलगर्जी जी है लोगों के वास्ते ठीक नहीं हैगी, लोगों लिए नुकसान है गया, लोग इन्हां दे भरोसे दे अपने वहीकल्स इत्थे ला के जाते हैं। तो इस तरह मोटरसाइकिल वगैरह गड्डियां वगैरह चोरियां होनगियां तो लोग अपनी किदा सेफ्टी इतने महसूस करेंगे।